किसी चीज से इन्फेक्ट होंगे, वो उनमें से एक है हमारा ब्लैक फंगस, काला कवक बोल दो हिंदी में, या फिर इसे इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है क्या, म्यूकोमाइकोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, म्यूकोमाइकोसिस मतलब कि काला कवक एक फंगस है, ठीक है, फंगस संक्रमण है, यह नाक आंख और मस्तिष्क के पास होता है। इस फंगस को कभी कभी क्या आएगा, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल ROC शॉर्ट में बोल रहे हैं ROC, ठीक है, म्यूकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, साइंटिफिक नेम मैं बता चुका हूँ इसका क्या था, ठीक है, क्या था साइंटिफिक नेम, म्यूकोमाइकोसिस। ठीक है, यह फंगस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है, यह संक्रमण नहीं होता है, संक्रमित नहीं होता, मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, इन्फेक्शन ऐसा होता बॉडी टू बॉडी, मान लिया जैसे कि कोविड होता है, इस तरीके से नहीं होता ब्लैक फंगस। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये ब्लैक फंगस है, इस तरीके से इन्फेक्ट करता है, जो कि हम सिम्टम्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले किस किस चीज़ को कैसे जाने हम कि हमें क्या हो गया, ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस हो गया। पहले क्या होगा इसके अंदर देखते हैं हम इसके सिम्टम्स में क्या होगा, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले हमें कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है, बुखार रहना, तेज लंबे टाइम तक क्या रहेगा हमें, बुखार फीवर रहेगा। ठीक है, दूसरा सिम्टम्स क्या है, सर में दर्द होना, ये भी इसका सिम्टम, मतलब कि एक सिम्टम्स से डिफाइन नहीं कर सकते हम कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है। ठीक है, कुछ मेन सिम्टम्स यदि दिखाई दे रहे हैं तभी हम किसके पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल के लिए रुक करें अपना। ठीक है, जैसे कि मान लिया सर दर्द होना हो गया, सीने में दर्द, ठीक है, उसके बाद नाक से काले रंग का या पीले रंग का लिक्विड आना, ठीक है, खून का बहना, ठीक है, ये भी इसी का एक सिम्टम है। ठीक है, आंखों का लाल होना, ठीक है, फिर सांस लेने में दिक्कत आना, जो कि कोविड के केस में भी होता है। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आना, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन, जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाना, 94 से कम हो जाना, वो भी इसका एक सिम्टम्स है। ठीक है, उसके बाद आंखों में सूजन, धुंधला दिखाई देना, ठीक है, ये भी है। फिर दांतों का अचानक टूटना, ठीक है, या फिर आधा, हमारा आधा जबड़ा क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, ठीक है, वो भी इसी का सिम्टम है। उसके बाद करें साइनस की परेशानी हो जाएगी, या फिर नाक बंद हो जाना। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ सिम्टम्स हैं, मतलब कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये यदि ब्लैक फंगस की बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, साइनस से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, किसे, हमारे हेड को भी, मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, साइनस की प्रॉब्लम होगी, नाक से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद सर तक पहुंचेगा। तो ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, यहाँ कभी कभी क्या होगी, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी इस पोर्शन पे, ठीक है, सर में दर्द हो सकता है, बहुत तेज बुखार होगा, तो ये क्या है, ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। आँख का कलर रेडिश हो सकता है, ठीक है, ये भी इसका सिम्टम्स है। तो हमने क्या जाने, ये क्या थे, ये सारे हमारे क्या हुए, ये हुए हमारे ब्लैक फंगस के सिम्टम्स। अब हमने सिम्टम जाने, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लैक फंगस में कि इसके प्रिवेंशन क्या है, निवारण क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिवेंशन में पहला क्या आएगा, सबसे पहले तो शरीर को हाइड्रेट रखें, हाइड्रेट का मतलब पानी की मात्रा शरीर के अंदर कम ना होने दें, शरीर को हाइड्रेट रखें यानी पानी की कमी न होने दें, मतलब कि नींबू पानी या किसी भी तरीके से जितना बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है 5 से 6 लीटर, ठीक है, उतना पानी जरूर लें। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया, ठीक है, प्रिवेंशन हमारा, निवारण। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर, साफ पानी का प्रयोग करें, मतलब कि जो ऑक्सीजन लेते टाइम जो ह्यूमिडिफायर यूज करते हैं हम लगाने के लिए माउथ पे, तो उसका क्या होगा, उसमें लिक्विड जो ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम कभी कभी टैप का वाटर लेते हैं, मतलब कि जो सिंपल नल है उनका पानी भर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा खतरा है, इस वजह से हम उसमें क्या करें, प्योरीफायर पानी का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, वो एक बचाव हो सकता है, फिर ठीक है निवारण हो सकता है। फिर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर लें, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब मान लिया उसके अंदर है तो ब्लैक फंगस या फिर व्हाइट फंगस, जो कि क्या है, एक फंगल डिसीज है, और वो ले रहा है किसकी मेडिसिन, कोविड की, जो कि क्या है हमारी एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, तो वो दिक्कत भी है, क्योंकि हमें किसकी सलाह पे लेना है, हमें डॉक्टर की सलाह पे लेनी है ये। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर, कोई बहुत सारी बुकें हैं, मान लिया बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, मान लिया वो पतंजलि की भी हो सकती है, कुछ मान लिया कोई मल्टी प्रोटीन्स ले रहा है या मल्टी विटामिन्स ले रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी हम अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसे कुछ टाइम के लिए क्या कर दें, बंद कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टेरॉइड्स,
का उपयोग करें। स्टेरॉइड्स का मतलब क्या हुआ, स्टेरॉइड जो कि मान लिया जैसे कि हमारे झोला छाप डॉक्टर हैं, यदि कोई किसी को बुखार हुआ या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, जो उन स्टेरॉइड्स का जो प्राइस है वो जो ऑथेंटिक मेडिसिन है उनसे बहुत कम होता है। तो क्योंकि अभी गांव का कोई एक इंसान है, आम आदमी है, वो क्या जाएगा, जाके 20 रुपये थमाएगा डॉक्टर के हाथ में, उसके बाद बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे दवा चाहिए इस पर्टिकुलर बीमारी की, ठीक है। तो वो उस झोला छाप डॉक्टर की भी कमी नहीं है, वो कमी है हमारी अवेयरनेस की, जागरूकता की, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। अब यदि मान लिया वो हम 20 रुपये महंगी ले लें उस मेडिसिन को, उससे इतने जितना उसने कम किया उस पैसे को उससे ज़्यादा तो उसके नुकसान है, क्योंकि स्टेरॉइड्स दे रहा है वो उसके केस में। या मान लिया स्टेरॉइड्स कभी कभी बहुत रेयर केस में डॉक्टर रिकमेंड करता है स्टेरॉइड्स, जैसे कि मान लिया जब कोविड से रिकवर कर रहे होते हैं उस टाइम पे स्टेरॉइड दी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेरॉइड्स क्या करती हैं, हमें इम्यूनिटी को क्या कर देती हैं, डाउन कर देती हैं। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है, ठीक है, कि ये स्टेरॉइड्स डॉक्टर की सलाह पे लेनी है और बहुत मजबूरी में ही लेनी है कि हाँ अब बिना स्टेरॉइड्स के काम नहीं चल सकता, तभी लेनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमने प्रिवेंशन समझ लिए ब्लैक फंगस के। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले देखते हैं कि इलाज के लिए, इलाज में सबकी राय जरूरी है, ये इतने हैं, क्योंकि ये सब इफेक्ट कर रहा है, हमारे टीथ को भी इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे आइज को भी कर रहा है, माइंड को भी कर रहा है, ठीक है। तो सबको, तो हमें कौन कौन से डॉक्टर हैं जिनकी हम सलाह ले सकते हैं, जैसे आंखों के डॉक्टर से सलाह, उसकी राय जरूरी है, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, हमारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, या दांतों के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जैसे भी हमारा तुम्हें जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद किसे दिखा सकते हैं, हमारा इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो गया या फिर ENT स्पेशलिस्ट, ये कुछ स्पेशलिस्ट हैं जिन्हें हम फंगस के बाद, इन्फेक्शन के बाद सलाह ले सकते हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हैं हमारे क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, हमें क्या एहतियात रखनी है जब, जिससे कि हम इससे इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला तो मास्क लगा कर रखें, प्रॉपर मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, वो और ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। दूसरा, मिट्टी में काम करते समय इस्तेमाल क्या, दस्ताने पहने, क्योंकि मिट्टी क्या है, मिट्टी से भी फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो मिट्टी में काम कर रहे हो, कहीं कोई ऐसा ह्यूमिडिटी वाली जगह है वहाँ पे काम कर रहे हो, तो प्रॉपर दस्ताने पहन के या बॉडी को कवर करने के बाद काम करें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उचित, ठीक है, स्वच्छता बनाकर रखें, मतलब कि में गंदगी में ज़्यादा चांस है फंगल इन्फेक्शन के, ठीक है, तो स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह गीली सतह पर विकसित होता है, इसलिए गीली सतह से बचें, मतलब कि क्योंकि जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे, मतलब जहाँ पे आर्द्रता होगी वहाँ चांस ज़्यादा है फंगस होने के, ठीक है। तो इसका मतलब उस जो हमारी आर्द्र जगह है वहाँ से भी बचें। उसके बाद क्या है, डायबिटीज़ के मरीज़ अपना शुगर लेवल क्या करते रहें, चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनकी इम्यूनिटी पहले से ही सप्रेस हो चुकी है, ठीक है, डाउन हो चुकी है, तो उनमें इस चीज़ का ज़्यादा खतरा है। स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनमें भी ज़्यादा खतरा है, कैंसर या ट्यूमर के जो मरीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इन्फेक्ट हो जाएंगे जल्दी इससे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही डाउन है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्या है, वही स्टेरॉइड का कम प्रयोग करें, ठीक है। फिर आगे उसके बाद जाते हैं, उसके बाद आ गए हमारे क्या, ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिंस, क्योंकि हम डॉक्टर तो हैं नहीं, बस जो मतलब गवर्नमेंट ने रिकमेंड की हैं, या फिर मान लिया जिनकी कमी, मतलब कि जो ऑथेंटिक है अभी जिसका यूज हो रहा है इसके केस में, ठीक है, बस वो बता रहे हैं। हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि ये मेडिसिन तुरंत, जैसे ही आप इससे इन्फेक्टेड हो तुरंत इस मेडिसिन को ले लो, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस जो ऑथेंटिक है उसके बारे में हम बता रहे हैं इसकी, क्योंकि कुछ राज्यों में इसकी कमी भी हो गई है अभी, जिन जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा केस देखे जा रहे हैं, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर मान लिया हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर मतलब दिल्ली हो गया, इनमें इसकी कमी भी हो गई है अब, क्योंकि पहले से पता नहीं था, इसके स्टॉक तो था नहीं, ठीक है, अब अचानक से इसकी ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इस दवा का जो कि क्या है हमारा एम्फोटेरेसिन बी, इसका यूज हो रहा है तीनों फंगल इन्फेक्शन के केस में इसका यूज हो रहा है, ठीक है, कुछ इसके आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई है अभी, तो काला कवक मतलब कि ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस केस में क्या करेंगे हम, कुछ मरीजों को ये मेडिसिन दी जा रही है, ठीक है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया इसका, ठीक है, बाकी जो भी डॉक्टर सलाह करे सलाह दे उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। अब आते हैं कि नोटिफेबल डिजीज घोषित करने का मतलब क्या है, अब कुछ राज्यों ने इसे घोषित कर दिया गया है क्या, नोटिफेबल डिजीज मतलब कि एक तरीके से 14
राज्य और दो यूनियन टेरिटरी ने इसे क्या करा है, एक तरीके से एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत क्या कर दिया है, ये कर दिया है, इसे हमें नोटिफेबल डिसीज घोषित कर दिया है। जैसे कि क्या है, भारत में महामारी रोग अधिनियम, जैसा कि मैंने बताया 1897 के तहत एक बीमारी के उल्लेखनीय बीमारी बनाकर, ठीक है, महामारी के रूप में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सभी सरकारी और निजी अस्पताल जितने भी हैं उनमें उसकी स्क्रीनिंग, ठीक है, या निदान, ठीक है, उसके प्रबंध के लिए कितने केसेस आज ऐड हुए हैं, कितने केसेस नए आए हैं, उसके बारे में बताना पड़ता है। यदि वो एक तरीके से क्या घोषित हो चुकी है, एपिडेमिक एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग क्या हो गई है, वो नोटिफिएबल डिसीज घोषित हो गई है तब। ठीक है, तो वो चीज़ हमने देख ली। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से राज्य आए हैं जहाँ पे ये क्या हुआ है, महामारी घोषित हुई है। ठीक है, तो अभी जानेंगे हम कि महामारी क्या है, या स्थानिक क्या होती है, वैश्विक महामारी क्या होती है, इन्फोडेमिक क्या है, इसके बारे में अभी स्लाइड के बाद जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किन राज्यों में ब्लैक फंगस मतलब कि म्यूकोमाइकोसिस को महामारी घोषित किया गया है। तो उनमें कुछ राज्य हैं, जैसे मान लिया पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, मतलब कि ऐसे लगभग कितने 14 स्टेट जहां क्या कर दिया है, इसे महामारी घोषित कर दिया है, और प्लस 2 यूटी यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्रशासित, 2 केंद्रशासित प्रदेश और 14 स्टेट्स में क्या कर दिया है, इसे महामारी घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं उनमें कितने केसेस आए हैं। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं, जो महामारी बोला, महामारी घोषित कर दिया है, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि महामारी है क्या। ठीक है, तो कोई भी डिसीज का उसका जो स्प्रेड होने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा हो सकता है वो एक स्थान के, बस एक स्थान पे सिमट के रह जाए हर सीजन, मतलब कि एक कॉन्स्टेंट एरिया में सिमट के रह जाए, एक कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन पे उसका जो संक्रमण का खतरा है वो रहे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब हुआ, एक सेकेंड, क्या बोलेंगे उसे, एंडेमिक मतलब कि एक तरीके से स्थानिक बीमारी, स्थानिक मतलब कि एक पर्टिकुलर स्थान पे सिमट के रह जाए। ठीक है, उसे स्थानिक बीमारी बोल देंगे, आगे इसे एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद आया हमारा क्या, एपिडेमिक, जो कि ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस क्या हुआ है, घोषित हुआ है 14 स्टेट में, वो ये हमारा एपिडेमिक। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम महामारी, महामारी। ठीक है, अब महामारी क्या हो गया, महामारी एक ऐसा है जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, कुछ पर्टिकुलर जनरेशन को, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को यदि इन्फेक्ट कर रही है, तो वो किसके अंदर आएगी, वो महामारी के अंदर आएगी। ठीक है, लेकिन यदि वो पैंडेमिक घोषित कर दी, पैंडेमिक का मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया को ग्लोबल लेवल पर बहुत बहुत सारी देशों में क्या कर रही है, अपना इन्फेक्शन कर रही है, और पर्सन टू पर्सन मतलब कि व्यक्ति व्यक्ति से व्यक्ति भी क्या हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो उसे क्या बोल देंगे, पैंडेमिक बोल देंगे। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे हम वैश्विक, वैश्विक महामारी, जो कि ग्लोबल के लेवल पे मतलब कि पूरे विश्व में होगी। ठीक है, उसके बाद इन तीनों से भी खतरनाक, पहले इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्थान पर, ठीक है, यदि फैल रही है, जैसे मान लिया एक का पर्टिकुलर बस अफ्रीका, अफ्रीका में यदि इसका प्रकोप है पर्टिकुलर महामारी का, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी क्या, एंडेमिक, जैसे एपिडेमिक हो गई। ठीक है, एपिडेमिक क्या होगी, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कुछ स्टेट्स में वो फैल गई है, या एक एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका, लेकिन पूरे विश्व में नहीं है, मतलब कि सभी कंट्रियों में नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे हम एपिडेमिक। ठीक है, जैसे कि यदि ब्लैक फंगस की, व्हाइट फंगस की, येलो फंगस की बात करें, तो कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा, भारत में देखा जा रहा है, बाकी कंट्री में तो है नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, हमारा एपिडेमिक है, मतलब कि ये भी क्या होगा, एक महामारी। ठीक है, ये भी महामारी होगा। ठीक है, यदि बात करें विश्व लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे बात करें, ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो ये क्या होगा, इसे बोलेंगे हम पैंडेमिक, वैश्विक महामारी, जो क्या है, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में फैल गई है जल्दी, और वो क्या हो रही है, वो पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोल देंगे हम पैंडेमिक। ठीक है, अब इन तीनों से भी खतरनाक, स्थानिक महामारी और वैश्विक महामारी से भी खतरनाक, यदि हम एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो वो है हमारा इन्फोडेमिक।
अब समझते हैं ये इंफोडेमिक है क्या। इंफोडेमिक का मतलब है इंफॉर्मेशन प्लस क्या आएगा हमारा पैंडेमिक, ये हो गया इंफोडेमिक। ठीक है, अब इससे खतरा क्या है, इंफोडेमिक का मतलब ये हुआ किसी पैंडेमिक के बारे में झूठी भ्रांतियां, ठीक है, मतलब भ्रांतियां फैला दी कुछ गलत चीजें, जैसे कि मान लिया कोरोना वायरस के केस में मान लिया नींबू को नाक में डालने से क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस भग जाएगा, पता चली न्यूज में सुबह को जिसने नींबू नाक में डाला उसकी सुबह डेथ हो गई। ठीक है, मान लिया तंत्रों मंत्रों से कोरोना वायरस चला जाएगा, ऐसे भी कुछ इंसान है, ठीक है, जो सोच रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी अदा में हैं, ठीक है, कोरोना वायरस कुछ ना, ठीक है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में क्या है, मान लिया कोई इंसान है उसकी फैमिली में दूर दूर तक की फैमिली में कहीं पर भी कोई भी कोविड इन्फेक्टेड है ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो ये मजाक है कि कोई भी कुछ कोरोना वायरस नहीं है, ना कोई ब्लैक फंगस है ना कोई व्हाइट फंगस है, लेकिन यदि किसी की फैमिली में दो या तीन केस या एक केस भी है, ठीक है, तो उसे पता है कि हाँ कोविड भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहना कि ये कुछ नहीं है, मेरी तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं तो योग करता हूँ, ठीक है, मैं तो जिम करता हूँ तो मुझे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो क्या होगा वो ऐसी फैला के, जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इन्फोडेमिक, ये जो इन्फोडेमिक है ये जो हम ह्यूमन बींग हैं या सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कैसे है, ठीक है, तो जानते हैं जैसे कि मान लिया इन्फोडेमिक के अकॉर्डिंग क्या हमें हार्मफुल हो सकते हैं, मान लिया पहले बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई कि वैक्सीन लगाने से क्या हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, दो तीन दिन बाद डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा, एक इंसान के माइंड में एक ऐसी इमेज बन गई कि भाई वैक्सीन मैं लगवाऊंगा उसके बाद क्या हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। यदि मान लिया कोई 50 प्लस है या 40 प्लस है, उसे वैक्सीन लगनी है, उसके घर वाले ने उन्हें फोर्स किया, मनाया किसी भी तरीके से, उन्हें लेके गए उन्हें किसी तरीके से वैक्सीन लगा दी, लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर इतना डर बैठा हुआ था उसके प्रति, वैक्सीन के प्रति, ठीक है, कि लगवाने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई, ऐसे केस भी देखे गए हैं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसके अंदर उसका डर ही इतना बैठा हुआ था कि उसे लगा कि ना होते हुए भी डेथ यदि नहीं भी होती तो उसने इतना सोच रखा था उसके बारे में हाइपोथेटिकल कि उसकी ना चाहते हुए भी क्या हो गई, उससे डेथ हो गई। इस वजह से सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है हमारा, इन्फोडेमिक है, मतलब कि चीज़ों के बारे में क्या गलत ज्ञान, ठीक है, अवेयरनेस ना होना, कम अवेयरनेस, जो हमारी जागरूकता है उसकी कमी, ठीक है, और उसके बावजूद भी ये जो हमारी जो व्हाट्सएप फैमिली है वो तो है ही, उसमें कुछ भी चीज़ कोई भी चीज़ ली शेयर कर दी, भैया उसे लो, क्या कहते हैं, अदरक लो, इसका काढ़ा बनाओ, उसका काढ़ा, हो सकता है कि काढ़ा क्या होगा, काढ़ा यूजफुल हो सकता है किसके लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काढ़ा पीने से या फिर मान लिया कोई विक्स की भाप लेने से इससे कोरोना भाग जाएगा, ऐसा कोई तथ्य नहीं, ना UNO की तरफ से ऐसा कुछ आया है, ठीक है, तो वो हो गया, ये भी भ्रांतियाँ, जैसे मान लिया किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया नहीं, हमारा कोई दोस्त है उसने क्या किया कोरोना का चेक कराने के लिए, वो नेगेटिव आया RT-PCR में, ठीक है, RT-PCR में नहीं आया तो उसने क्या कराया, उसने CT scan करा दिया, ठीक है, तो आप भी गए, उसने कराया तो मैं भी करा दिया, जबकि CT scan से क्या क्या किस चीज़ का खतरा है, कैंसर का खतरा है, ठीक है, स्टेरॉइड्स के भी लिए मना किया गया है लेकिन वो भी ले रहे हैं, ठीक है, जबकि अब नॉर्मल सी बात है हर इंसान की बॉडी अलग है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी अलग है, तो इन्फेक्शन होने के तरीके भी अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप वही सेम चीज़ जो इलाज दूसरे बंदे ने चलाया वो इलाज आपने चला दिया, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, तो अब इन्फोडेमिक समझ गए, इन्फोडेमिक का मतलब ये है कि एक पैंडेमिक के बारे में भ्रांतियाँ फैलाना, ठीक है, नई नई भ्रांतियाँ फैलाना, वो इन्फोडेमिक है, मतलब कि इन तीनों से भी ज़्यादा हानिकारक क्या है हमारा, इन्फोडेमिक है। अब हमें इन्फोडेमिक भी समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं, अब आते हैं हम किस पे, देश में ब्लैक फंगस का बढ़ता हुआ खतरा, अब देखते हैं ब्लैक फंगस में कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं किससे, ब्लैक फंगस से, ठीक है, तो क्या है ब्लैक फंगस, पहले क्या होता था, अभी कितने केसेस हैं, डेथ हैं ये, मतलब कि ये दो दिन पहले तक के आंकड़े हैं, 260 प्लस डेथ हो चुकी हैं इससे, अब ये इसके बारे में बोल के हमारा मकसद डराने का नहीं है, ठीक है, बस अवेयर करने का है, ठीक है, और कितने केसेस आ गए हैं, 9000 प्लस केसेस हैं किसके, ब्लैक फंगस के, जबकि पहला केस कहाँ देखा गया था इसका, गुजरात में, ठीक है, पहले क्या होता था, अब से पिछले सालों की बात करें तो इसके 8 से 9 केस आते थे पूरे साल में, लेकिन इस बार क्या है, टोटल केसेस कितने, 9000 है और 260 प्लस क्या है इसके, डेथ है, ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम किस किस राज्य में कितनी है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, पहले क्या होता था, पहले हर राज्य में हर वर्ष कितने आते थे, भारत के, पूरे भारत के अंदर ही कितने थे, 8 से 10 केसेस आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, कोरोना की दूसरी लहर के बाद, सेकेंड वेव के बाद क्या है, 9000 प्लस केसेस हैं किसके, ब्लैक फंगस के, ठीक है, अब देखते हैं किस राज्य में कितने हैं,
ठीक है। यदि बात करें तो टोटल जितने भी राज्य हैं उन राज्य में ब्लैक फंगस के केसेस की बात करें तो टोटल 60-70% या 70-80% तो कौन कवर कर रहा है, हमारे कुछ राज्य ही, मतलब कि 6 राज्य जैसे मान लिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं केसेस, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद ले लिया मान लिया हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया उसके बाद क्या, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया या फिर हरियाणा हो गया, ठीक है। तो ये स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम केसेस देखे जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में भी है, देखे दिल्ली में डेथ के डेथेस कितने देखे गए हैं, दिल्ली में डेथ देखी गई है 1 से 2 डेथ है लेकिन केसेस बहुत हैं, 200 से ज़्यादा केसेस वहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। जबकि हम क्या कर चुके हैं, अब जो सेकेंड वेव थी कोरोना की उस पर एक तरीके से क्या करें कंट्रोल पा चुके हैं, जैसे कि मान लिया दिल्ली की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली ने क्या किया है, कोविड को कंट्रोल किया है। जैसे कि कभी अभी 1 महीने पहले यदि बात करें, लगभग 24 अप्रैल की बात है, 24 अप्रैल के टाइम पे क्या था वहाँ पे जो केसेस पॉजिटिव केसेस की जो रेट थी वो लगभग 36 पहुँच गई थी, ठीक है। लेकिन अब कितनी है, 2.5%, ठीक है। अब यदि बात करें हम कंट्री ने, मतलब देश ने भी अच्छा कंट्रोल किया है, बात करें तो 4 लाख प्लस आ रहे थे केस हर दिन, ठीक है। यदि बात करें 1 मंथ बिफोर की बात करें तो, ठीक है, और अब कितने हैं आज की अपडेट की बात करें तो 1,86,000, ठीक है। मतलब कि बहुत कुछ, बहुत हद तक हमने सेकेंड वेव पर क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अब बात करें कि किस स्टेट में कितने हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था गुजरात में लगभग, मतलब कि जो जितने आंकड़े हम पे रिसर्च के बाद हमें पता चला उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं क्या होगा, गुजरात, गुजरात में कितने हैं 2,281, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश। फिर चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर उस पाँचवें नंबर पर क्या है हमारा, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, कर्नाटक, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारा, हरियाणा। तो हमें दिख रहा है जैसे कि मतलब कि 6 से 7 जो स्टेट्स हैं उन्होंने लगभग जितने टोटल केसेस हैं उसका 70% लपेट दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टोटल केसेस, तो टोटल केसेस की बात करें तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है हमारे, गुजरात में ही है 2,281। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो क्या इसमें हो जाएगा हमारा, 2,000 मध्य प्रदेश। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश कितने, 910। और बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में 700, जैसा कि बताया था। तो ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कहाँ कहाँ किस स्टेट में कितने केसेस देखे गए हैं उसका लेखा जोखा है, ठीक है। फिर आगे बात करें हम, आगे बात करें तो ये वो राज्य हैं किन राज्यों में कितनी मौतें, ठीक है, सबसे ज़्यादा मौत कहाँ हुई है, उसके अकॉर्डिंग मौत कहाँ होंगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस देखे गए होंगे। सबसे ज़्यादा मौत की बात करें तो कहाँ हुई है, महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में, ठीक है। टोटल कितनी मौतें अभी तक